हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और सबसे पहले सभी को हैप्पी तीज टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़। और आज तीज है इसीलिए मेहंदी वगैरह लगी हुई है हाथों में। सो आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, आवाज़ थोड़ी कम आ सकती है, उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ। और कल की वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक है लिटरेरी डिवाइसेस में पोएटिक फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ प्रोज। ये आता है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। लिटरेचर की कितनी फॉर्म होती हैं? लिटरेचर की फॉर्म्स होती हैं पोएट्री और प्रोज, मेनली दो होती हैं। और फिर प्रोज को भी सब डिवाइड किया गया है, बहुत सारे सेगमेंट्स में बांटा गया है। तो हम उन्हीं की जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में आज देखते हैं कि कौन सी फॉर्म्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म है इसकी ड्रामा। प्रोज की जो फॉर्म है ड्रामा, ड्रामा को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक ट्रेजडी और दूसरा कॉमेडी। ट्रेजडी आप सभी को पता है क्या होता है। ट्रेजडी क्या होती है? जो कि ट्रेजिक एंड पर डिपेंड करती है, जिसमें हीरो और हीरोइन या उनमें से कोई एक जो मेन होता है वो उसका ट्रेजिक एंड हो जाता है और ये पूरा ट्रेजडी पर बेस होता है। कॉमेडी होता है, कॉमेडी जिससे कि लोगों को हंसाया जाता है, जिसमें लाफ्टर इन्वॉल्व होता है, कि लोगों को लाइट फील कराया जाता है, हल्का फील कराया जाता है। इस ड्रामा के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे फर्स्ट है रोमांटिक कॉमेडी, जो कॉमेडी तो होती ही है साथ ही साथ रोमांटिक भी होती है। रोमांस को इसमें दिखाया जाता है, किसी हीरो हीरोइन का पार्ट लिया जाता है और उसी को एक कॉमेडी के रूप में शो कर दिया जाता है। जैसे एज यू लाइक इट एक कॉमेडी है, जिसे रोमांटिक कॉमेडी भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी तो होगी बट मैनर्स में रहकर, एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी जो थी उसको उसमें यूज़ किया जाता था कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मींस कॉमेडी हो लेकिन लोगों को इससे हर्ट ना हो, एक बहुत ही प्योर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और कॉमेडी भी हो जाए। तो ये होता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स होती है कि उसमें ह्यूमर को इन्वॉल्व किया जाता है। ह्यूमर मींस हास्य, कि आप क्या करते हैं, कॉमेडी होती है वो सिर्फ हास्य के लिए, ह्यूमर के लिए यूज़ की जाती है, ना कि किसी डेडिकेटेड सब्जेक्ट के लिए या फिर किसी को हर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है सेंटीमेंटल कॉमेडी, जिसमें बहुत सारे सेंटीमेंट्स आ जाते हैं, इमोशनल जिसको बोल सकते हैं। कॉमेडी होती है, कॉमेडी का मतलब होता है हंसना, लाइट फील करना, लेकिन जब उसमें इमोशंस ऐड हो जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इमोशन को लेकर कॉमेडी की जाती है, तो वो होती है सेंटीमेंटल कॉमेडी। नेक्स्ट ट्रेजडी के पार्ट्स देखेंगे। फर्स्ट है ट्रेजिक कॉमेडी, एक ऐसा प्ले जिसमें ट्रेजडी भी हो और कॉमेडी भी हो, मींस मिक्सअप हो दोनों चीज़ों का मिक्सअप कैसे होगा, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस है शेक्सपियर की, वो ट्रेजडी भी है और कॉमेडी भी है। ट्रेजडी कैसे है? ट्रेजडी ऐसे है कि एक जो उसका हीरो होता है उसके साथ ट्रेजडी हो जाती है और उसी को लेकर पूरा जो प्ले है वो चलता है, लेकिन बीच बीच में और बाद में कॉमेडी भी इसको मानते हैं। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस को ट्रेजिक कॉमेडी ज़्यादा माना गया है। ये मिक्सअप है, ट्रेजडी और कॉमेडी दोनों का मिक्सअप है। नेक्स्ट है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या होता है? जहाँ पर ट्रेजडी होती नहीं है लेकिन दिखाया जाता है कि जैसे ट्रेजडी हुई है, मींस कि बिना ट्रेजडी हुए शो किया जाता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, इस टाइप से कुछ ट्रेजडी का पार्ट होता है, कि ट्रेजडी ना होते हुए भी ट्रेजडी शो किया जाता है, उसको बोलते हैं मेलोड्रामा। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ट्रेजडी। ट्रेजडी के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? ट्रेजडी के पार्ट होते हैं प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल। और फ्रेंड्स ये इसी सीक्वेंस में रहते हैं। फर्स्ट नंबर पर प्लॉट आएगा, ट्रेजडी का प्लॉट क्या होगा, फिर उसके कैरेक्टर्स सेकेंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर थॉट, फोर्थ नंबर पर डिक्शन मीन्स जो लैंग्वेज उसमें यूज़ की जाती है, फिफ्थ नंबर पर सॉन्ग और सिक्स नंबर पर स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल मतलब दृश्य, देखने वाले। नेक्स्ट है टर्म्स रिलेटेड टू ट्रेजडी। ट्रेजडी में कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं या प्लेज में, इन सब में कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं, वो हम देख लेंगे। फर्स्ट है कैथारसिस, हमर्शिया। कितनी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी टर्म ट्रेजडी से रिलेटेड है और उनमें ये सब दे दिया जाता है या फिर इनमें से कोई एक दे दिया जाता है और क्वेश्चन उसी तरीके से पूछ लिया जाता है। तो इसमें आएगा कैथारसिस, हमर्शिया, पेरिपेशिया, रिकॉग्निशन,
पोएटिक जस्टिस कॉमिक रिलीफ एंड कन्फ्लिक्ट, ये सब ट्रेजडी के पार्ट हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसकी अदर फॉर्म्स क्या होंगी। अदर फॉर्म्स में आता है फार्स। फार्स क्या होते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं जिसमें कोई भी एक छोटा सा मैसेज देने के लिए उनको प्ले किया जाता है, वो एक तरीके से कॉमेडी टाइप भी होते हैं और एक मोरल भी वहाँ पर रहता है उनके अंदर। नेक्स्ट है वन एक्ट प्ले, एक ऐसा प्ले जो एक ही एक्ट में फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट मास्क, मास्क का भी एक एग्जाम्पल है, जैसे मिल्टन ने जो कॉमस लिखी थी वो मास्क के रूप में लिखी थी, वो एक छोटा प्ले होता है जो कहीं पर प्रीमियर किया जाता है। जैसे इसका जो मिल्टन का मास्क था वो कॉमस था, कॉमस जो उसका वर्क है वो मास्क ही है। मास्क भी एक नाटक होता है लेकिन छोटे रूप में, जैसे कि प्लेज होते हैं वो 5 एक्ट प्ले होते हैं, 1 एक्ट प्ले होता है, छोटा प्ले होता है, इन्हीं का दूसरा रूप होता है मास्क। नेक्स्ट है प्रॉब्लम प्ले, जिसमें किसी सोशल प्रॉब्लम या पर्सनल प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पर दिखाया जाता है, वो होता है प्रॉब्लम प्ले। तो ये सब पार्ट यहाँ पर ड्रामा के थे। नेक्स्ट है प्रोज की दूसरी फॉर्म्स जो हमारे पास हैं, हम देखेंगे फिक्शनल फॉर्म्स कौन सी हैं और नॉन फिक्शनल फॉर्म्स कौन सी हैं। फिक्शनल में आ जाएगा शॉर्ट स्टोरी। फिक्शनल होता है फ्रेंड्स कल्पनात्मक, जिसमें हम सिर्फ कल्पना करते हैं, फिक्शन करते हैं, सोचते हैं और उनको लिखते हैं, इसमें रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। शॉर्ट स्टोरीज जो होती हैं वो फिक्शनल होती हैं, विचार के बेस पे आधार होती हैं, सोचने के बेस पे आधार रहता है इनका, सोचने का आधार रहता है, तो ये उसी पर आधारित होती है, इसलिए इनमें कोई रियलिटी नहीं होती। नेक्स्ट है नोवेल। शॉर्ट स्टोरी बहुत छोटा पार्ट होता है लेकिन नोवेल होता है बहुत ही लेंदी पार्ट, तो इसको बोलेंगे हम इसी का शॉर्ट स्टोरी का लेंदी पार्ट, किसी भी एक चीज़ को लेकर लॉन्ग में लिख देना और उसको, ये भी एक फिक्शन ही होता है, स्टोरीज पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट है नॉन फिक्शनल में क्या क्या आएगा। नॉन फिक्शनल में आएगा बायोग्राफी। बायोग्राफी बिल्कुल रियल होती है, फिक्शनल नहीं होती है, किसी की भी लाइफ साइकिल के आधार पर बनाई जाती है। जैसे बायोग्राफी किसी दूसरे पोएट, दूसरे राइटर के जीवन को लेकर, उनके लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं, उनके लाइफ के जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, वीक पॉइंट्स होते हैं, जो भी उनकी उपलब्धियां होती हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, सबको कैटेगराइज किया जाता है एक ही जगह, और वो होती है बायोग्राफी। बायोग्राफी में किसी एक पोएट की दूसरे पोएट या दूसरे राइटर के द्वारा लिखा जाना उसके जीवन को। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता है अपनी लाइफ साइकिल खुद से लिखना, अपने बारे में खुद से लिखना, ये होता है ऑटोबायोग्राफी। इसका नेक्स्ट पार्ट है नॉन फिक्शनल का ही एसे। किसी भी सोशल प्रॉब्लम को, पॉलिटिकल प्रॉब्लम को, या किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, या किसी भी मोटिव, किसी टॉपिक को लेकर नोवेल से छोटा पार्ट लिखा जाता है। नोवेल से बहुत ही छोटा पार्ट होता है, नोवेल तो फिक्शनल होता है, ये फिक्शनल नहीं होता है। किसी एक टॉपिक को लेकर उसको एनालाइज किया जाता है, उसको बोलते हैं एसे। नेक्स्ट है डायरी। डायरी होता है अपने डेली इवेंट्स को अगर रिकॉर्ड कर रहा है, ये पर्सनल यूज़ के लिए होती है, और वो डायरी में अपने इवेंट्स को रिकॉर्ड करके रखते हैं, जैसे आज मैंने क्या किया, आज मैं कहाँ गया, आज मैंने ये किया, आज मैं उससे मिला, आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, आज मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था, इस टाइप से हम रिकॉर्ड करते हैं। लेटर होता है जो हम किसी के लिए लेटर लिखते हैं, अपने पर्सनल या फिर प्रोफेशनल जो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं उनको जो हम लेटर लिखते हैं, ये लेटर होता है, लेकिन ये भी फिक्शनल नहीं होता, ये नॉन फिक्शनल में आता है क्योंकि ये रियल होता है, ठीक है ना, ये रियल बेस होता है। स्पीच, किसी भी चीज़ को लेकर कोई स्पीच दी जाए, कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी को मोटिवेट करना हो, स्पीच मोटिवेशनल भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, और इस चीज़ को फिक्शनल नहीं बोलेंगे, ये भी नॉन फिक्शनल होती है क्योंकि ये भी रियलिटी बेस होती है। नेक्स्ट है ट्रैवलॉग। अब हम कहीं लाइफ में कहीं भी जब ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल से ही ये ट्रैवलॉग बना है कि ट्रैवल करते टाइम हमारे साथ जो जो इंसिडेंट्स हुए, हमें क्या क्या, कौन मिला, हम कहाँ गए, हमारी क्या मेमोरी थी, वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं ट्रैवलॉग में। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है मेमोयर। मेमोयर क्या होता है कि कई बार क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर को हम एक जैसा समझ लेते हैं और गलती कर देते हैं। 2021 में भी मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था जो मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड था। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि मेमोयर होता है, ऑटोबायोग्राफी होती है जिसमें हम अपने बारे में लिखते हैं, अपने बारे में, जैसे कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैंने कहाँ से स्कूलिंग की, फिर उसके बाद मैंने कहाँ से कंप्लीट की अपनी स्टडी, कंप्लीट की स्टडी, कंप्लीट करने के बाद करियर कैसे स्टार्ट किया, करियर में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, ये सब
मीन्स ओन एक्सपीरियंस। मेमोयर में क्या होता है, मेमोयर में हम एक्सपीरियंस तो अपने ही लिखते हैं लेकिन दूसरों के बारे में लिखते हैं, मेमोरी बेस होता है ना फ्रेंड्स। तो ये थी प्रोज के सभी पार्ट्स जो मैंने आज एक्सप्लेन किए हैं, उस इनको आप देख लेंगे और इनके एग्जांपल्स भी आप लर्न कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, अगर हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।